तो दोस्तों यहाँ पे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के सारे एपिसोड जो है रिलीज हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी सारे एपिसोड देख लिए होंगे। मैं सीजन 2 के लास्ट वाले एपिसोड से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मैंने सोचा था लास्ट वाले एपिसोड में ड्रैगन वॉर देखने के लिए मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एपिसोड 8 में एक आध चीज ही इंटरेस्टिंग थी, वो था डेमन के विजन, और साथ में हम लोगों को जो रैना टायगेरियन का ड्रैगन देखने के लिए मिला उसको छोड़ दें तो एपिसोड 8 बस ऐसे ही निकाल दिया। तो असल मुद्दा ये नहीं है कि हम लोगों के साथ ये धोखा क्यों हुआ, असल मुद्दा ये है कि आखिरकार डेमन ने जो विजन्स देखे उनका क्या मतलब है और उनका आगे आने वाले हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन्स के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो उसी के बारे में बात होने वाली है। अगर आप लोग भी क्यूरियस हो भाई डेमन के विजन्स के बारे में जानने के लिए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो फर्स्टली शुरुआत करते हैं भाई, जब डेमन पेड़ के ऊपर हाथ रखता है तो उसे सबसे पहले एक ऐसा पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसके व्हाइट बाल हैं, उसके फेस के ऊपर एक बर्थमार्क है और वो वेयरवुड ट्री के जड़ों से जकड़ा हुआ है। और भाई ये बंदा जो है वेस्टरोस की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है। अगर इसके बारे में बात करूं तो इसका नाम का असली नाम ब्रैंडन रेवन है और ये टारगेरियन का बास्टर्ड है। मतलब अगर मोस्ट बैडएस बास्टर्ड सन का अगर खिताब किसे मिलना चाहिए तो यही बंदा है। मैं ब्रैंडन के बारे में बात करूं तो भाई ये डेमन के टाइम से 50 साल बाद जन्म लेगा। ये किंग एगोन 4th और लेडी मेलिसा ब्लैकवुड का बास्टर्ड सन रहने वाला है। इस बंदे का कनेक्शन डायरेक्ट गेम ऑफ थ्रोन्स के ब्रैन स्टार्क के साथ रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जानकर के शौक लगेगा कि ब्रैन स्टार्क को जो थर्ड आई रेवन दिखता था भाई वो यही बंदा रहेगा। मतलब उस टाइम में ये बूढ़ा हो चुका था जो कि ब्रैन स्टार्क को उसकी पावर के बारे में बताएगा। इस ब्लडी रेवन को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इसने अपने टाइम में बहुत सारे कांड कर रखे हैं, इसलिए इसे ग्रेट बास्टर्ड सन कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। अब जानते हैं कि आखिरकार ये डेमन को दिखा ही क्यों। तो इसका डायरेक्ट संबंध एक प्रोफेसी से है यानी कि भविष्यवाणी से है जो कि एगोन द कॉन्करर्स के समय से ही चलती आ रही है कि एक ऐसा समय आएगा सर्दियों में जब वेस्टरोस पूरे अंधकार से भर जाएगा और उस समय टारगेरियन का प्रिंस या प्रिंसेस जो है पूरे वेस्टरोस को इकट्ठा करके उस अंधेरे से लड़ेंगे। तो जब डेमन ने इस ब्लड रेवन को देखा तो वो भविष्यवाणी कोई मिथ नहीं है, वो सच्ची है और ये होकर के रहेगी। इसके आगे हम लोगों को डेमन के विजन्स में व्हाइट वॉकर देखने के लिए मिलते हैं और इससे डेमन को समझ में आता है कि व्हाइट वॉकर साथ में लॉन्ग नाइट की जो चीजें हैं भाई वो कोई अफवाह नहीं, वो सच में है। अगले विजन में डेमन अपने आप को गॉड्स आई में गिरता हुआ पाता है और ये गॉड्स आई कोई जगह नहीं है, गॉड्स आई एक नदी है जो कि हेरन हॉल के बगल में है और वेस्टरोस की सबसे बड़ी लेक है और इसी के ऊपर जो है एमंड और डेमन दोनों लड़ेंगे और दोनों मर करके जो है गॉड्स आई में गिरेंगे। इसके बाद डेमन और एमंड दोनों की बॉडी किसी को भी नहीं मिलती है और यहीं पर बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि भाई डेमन ही नाइट किंग है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भाई क्रिएटर ही जाने। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी लेक के बगल में मिस्टिकल लैंड मास चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट है तो उसी जगह पे पहला व्हाइट वॉकर बनाया गया था। आगे डेमन एक रेड कॉम्बैट के साथ 3 जलते हुए अंडे और साथ में एक लड़की के ऊपर छोटे 3 ड्रैगन को देखता है और भाई हम लोगों को पता है कि ये लड़की कौन है, ये और कोई नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स की डेनेरियस है। और ये सब जो है भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है जहाँ पे हम लोगों को ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि जो आने वाला टारगेरियन यानी कि जो भविष्यवाणी में प्रिंस या प्रिंसेस बताई गई है वो प्रिंस नहीं यानी कि जॉन स्नो नहीं, यहाँ पे डेनेरिस रहने वाली है, वही जो है पूरे वेस्टरोस को इकट्ठा करके उस अंधेरे को हटाएगी। यहाँ पर मुझे एक चीज का डाउट ये है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में ज्यादातर लोगों को यहाँ पे जॉन स्नो इकट्ठा करता है, यहाँ पे भविष्यवाणी में ऐसा क्यों बताया गया। और इसके अगले सीन में डेमन जो है रनेरा को आयरन थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ देखता है और इससे डेमन को समझ में आता है कि भाई उसका आयरन थ्रोन के लड़ना बिल्कुल बेकार है, एट द एंड जो है रनेरा ही आयरन थ्रोन के ऊपर बैठेगी। तो इसीलिए एपिसोड 8 में डेमन जो है रनेरा के आगे झुक जाता है। साथ ही में डेमन को यहाँ पे उसके विजन्स में हेलेना भी दिखती है जो कि उसे बताती है कि तुम अपना पार्ट जानते हो, मतलब डेमन को आगे क्या करना है ये डेमन खुद जानता है। इस बात का मतलब रनेरा का साथ देने से है। साथ ही में इसके अगले सीन में हम लोगों को हेलेना देखने के लिए मिलती है जो कि अपने भाई एमंड को बताती है कि भाई ज्यादा उड़ो मत, तुम भी गॉड्स आई में ही मरोगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेमन्स को विजन्स क्यों दिखाए गए और उनका मतलब क्या था।